वहां की भाषा भी जानता है। उसने हमको घुमाना शुरू कर दिया। हमने उसको कहा किसी गांव में लेके चल जो यहाँ का छोटा मोटा कोई गांव गांव में ले जाओ, गांव में घूम। हमने उससे पूछा क्या इनके धर्म में पूजा पाठ होता है? बोला हाँ महाराज होता है। मैंने कहा चलो किसी मंदिर में ले जाओ या किसी पुजारी से मिला। गांव के बाहर एक झोपड़ी थी, उसमें वो मेरे को लेके गया। अंदर पुजारी बैठे, उससे हमने बातचीत की। पूजा कर रहा था, सुनने से बात एक आटे का मक्की का आटा रहता है, गेहूँ तो कम होता है, मक्की के आटे का उसने पुतला बनाया हुआ था और उस पुतले के ऊपर पूजा कर रहा था। पुतले के ऊपर कुछ मंत्र अपनी भाषा में बोल रहा था। अब मैंने ट्रांसलेटर को कहा इससे पूछो कि ये क्या कर रहा है। ट्रांसलेटर ने पूछा महाराज क्या कर रहे? तो उसने बताया कि तांत्रिक क्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है? समझ रहे आप मेरी बात? इस तांत्रिक क्रिया का नाम क्या है? तो उसने बताया कि इस तांत्रिक क्रिया का नाम है वुडू। तांत्रिक क्रिया का नाम क्या है? उनकी भाषा। मैंने इसमें क्या होता? उसने बताया महाराज इस पुतले के अंदर इसने अपने शत्रु का अपने दुश्मन का नाम लिख रखा है, ये उसी के बुरा करने के लिए कुछ कर रहा है। मैं पूछा इससे पता करो कि कितने दिन लगेंगे इसको पूजा? उसने कहा हमारा 12 दिन लगेंगे इसको। हमने 12 दिन का वीजा एक्सटेंड कराया और 12 दिन रुके। रोज हम पुजारी से मिलने जाते हैं, ध्यान देने की बात है, मेरी जिंदगी की बनी बात बता रहा हूं। रोज पुजारी से मिलने जाते थे तो आपस में बातचीत होने लगी, तो वो भी हमको पहचान गए। रोज वो ट्रांसलेटर के माध्यम से बात होने लगी। एक दिन मैंने पूछा ये बताओ कि तुम ये पूजा कर रहे हो इसका क्या मतलब है? उसने बताया ट्रांसलेटर के माध्यम से कि महाराज इस गांव का जो मुखिया है उसने इसको गांव के बाहर निकाल दिया। गांव का जो राजा है मुखिया है उसने बाहर निकाल दिया इसको। अब ये उससे दुश्मनी निकाल रहा है। मैं कहा क्या करेगा दुश्मनी है? बोले इस पुतले के अंदर इसने अपने दुश्मन का नाम लिख के प्राण प्रतिष्ठा की हुई है। 12 दिन में इसकी पूजा होगी, फिर बाद में पुतले को जो चोट पहुंचाएगा वही चोट इसके शत्रु को भी। बड़ा है, आपको हैरानी होगी सुनकर के 12 दिन लगातार हम उसके पास गए। 12वें दिन उसने इतना बड़ा एक सुआ लिया लोहे का और उस पुतले के पांव में चुभा दिया। सुआ लेकर उस पुतले के पांव में चुभा दिया। आपको हैरानी होगी शाम को जब हम उस गांव के मुखिया से मिलने गए ना, उसका पांव कटा हुआ था। गांव के मुखिया का बोलो गजब मान गया कि उसने वहां मंत्र पढ़ के पुतले में सुआ चलाया और यहाँ इसके दुश्मन को क्या लग गई? चोट लग गई। उस दिन मैं समझा कि अगर एक पुतले के माध्यम से अपने दुश्मन को चोट पहुंचाई जा सकती है तो हम भी मूर्ति के माध्यम से अपने भगवान तक अपनी पूजा पाठ पहुंचा सकते हैं। तो सच्ची बात है, मूर्ति की पूजा हम नहीं करते हैं, हम पूजा करते हैं परमात्मा की। जिनको इसमें पत्थर दिखता है उनके लिए ये पत्थर, हमको इसमें पत्थर नहीं दिखता, हमको इसमें हमारा परमात्मा दिखता है। ये नजर की बात है। पर्वतराज हिमाचल ने माँ भगवती की आराधना की। एक वर्ष बीतने पर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का नाम रखा गया मैना। क्या नाम रखा गया? सुंदरकांड आपने पढ़ा होगा, ये समुद्र के बीच में रहता है, सोने का पहाड़। तुम्हारा मैनाम नाम का एक पुत्र हुआ। एक वर्ष पुनः बीतने पर पर्वतराज नित्य निरंतर माँ की आराधना करता रहा। माँ भगवती के आने का दिन निश्चित किया गया। चैत्र का महीना चुना गया। कौन सा महीना बोलो ना? चैत्र का। अच्छा किस किस को नींद आ रही है? हाथ खड़े करो एक बार। किस किस को नींद आ रही है? तुमको आ रही? मेरे को आ रही है। शंकर भगवान कौन सा महीना चुना गया? अभी निपटा देंगे, 10 मिनट में, चिंता नहीं कर। कौन सा महीना चुना? चैत्र का। और वार कौन सा चुना? मंगलवार। वार कौन सा चुना? और तिथि कौन सी चुनी? नौमी। तिथि कौन सी? और पक्ष कौन सा चुना? शुक्ल पक्ष। गौर करना, चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष मंगलवार और तिथि कौन सी? जितने भी देवता प्रकट हुए अधिकांश प्रमुख देवता नौमी को आए। अधिकांश देवता भगवान राम कब आए बोलो ना? माता जी कब आई? और कृष्ण जी कब आए? नहीं नहीं अश्विनी को नहीं। कृष्ण जी कब आए?
बोलो बदल गया ना बयान देखो, ये कंफ्यूज लोग मैंने पता ही नहीं। एक महीने पर अभी अष्टमी कह रहे थे, अभी नवमी कह दिया। देखो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ रात के 12 बजे, कितने बजे? तो अष्टमी जा रही थी और नवमी, तो कौन सी तिथि को जन्म हुआ पता? तो नवमी को ही लगा ना, नंदोत्सव तो नवमी को ही मना। जितने प्रमुख देवता है नवमी को आए, प्रमुख देवता कब आए उसका कारण जानिए। नौ का अंक पूर्ण अंक है, नवमी तिथि का कभी 6 नहीं होता, नवमी तिथि पूर्णा है। नवमी तिथि क्या है बोलो, बोलो ना कैसे? आप लोग तो पढ़े लिखे नजर आते हैं, बोलिए जरा मेरे साथ पहाड़ी, बोलिए 9 एकम 9 दुनी जोड़ना, 1 और 8 कितने हो जाएंगे? 9 दिया 2 और 7 को जोड़ो कितना आएगा? 9 चौके 3 और 6 जोड़ो कितना हो गया? 9 पंजे 4 और 5 जोड़ो कितना हो गया? कहीं तक ले जाओ 9 को, ना घटेगा और ना एक जैसा रहेगा। जैसा रहेगा बोलो? परमात्मा कहते हैं कि ना मैं कभी घटता हूँ और ना मैं कभी बढ़ता हूँ। इसलिए कौन सी तिथि को आए? 9 महीने को। बोलो कौन सा तिथि को? और महीना कौन सा है? चैत्र का। कौन सा महीना? हम हिंदुओं का नया साल वहीं से शुरू होता है। परमात्मा कहते हैं मैं नवीनता में आता हूँ, मैं नवीनता में। और चैत्र का महीना है चित्त की शुद्धि का महीना। चैत्र का महीना है, संस्कृत में चैत्र को कहते हैं मधुमास। जब हमारा मन, जब हमारा चित्त मिठास से भरा होगा, बहुत सुंदर मिठास से भरा होगा, तो जरूर हमारे यहाँ परमात्मा का अवतार होगा। महाराज शास्त्र कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आप हूँ शीतल मीठा। बोलो सबके साथ कैसा बोलो? बोलो ना। गुरु नानक देव जी कहते हैं मीठा बोलन निव चलन पर अब हम ढकले पंजो चंडी नानका हर पज हथो देव। ग्रंथ में लिखा मीठा बोलना, कैसा बोलना? मीठा बोलना। हाँ, लेकिन आजकल विवाद बदल गया जमी भाई, आजकल विवाद। पहले क्या था? ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए और उनको शीतल करे और आप हूं। पर आजकल बदल गया, आजकल बदल क्या कहते हैं? आजकल कहते ऐसी वाणी बोलिए कि तुरंत ही झगड़ा हो। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऐसी वाणी बोलिए पर उनसे कभी ना बोलिए जो अपने से तगड़ा हो। नहीं समझ में आएगा? कृष्ण कन्हैया शंकर भगवान, आपको देख के डर लग रहा है, घड़ी नजर आ रही है 10:30 पूरा कर लेंगे या कल कर लेंगे शंकर जी को जल्दी नहीं। चल विवाह की चर्चा फिर चल करेंगे। बोले उमापति महादेव आपको गाना। हाँ।